वैसे तो हर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी अपने आप में अनोखी होती है और अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर हमारे पास अपने पूर्वजों के बारे में जानने का यही एक जरिया जो है। लेकिन कुछ खोजें ऐसी भी होती हैं जो रहस्य सुलझाने की जगह उलझा देते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, मुगल वाटर टैंक। भारत में हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने मुगल काल का एक वाटर टैंक खोज निकाला। यह वाटर टैंक फतेहपुर सीकरी में पाया गया। ये टैंक 16वीं सदी के समय का है। एक समय पर इसमें बीचों बीच एक फाउंटेन भी हुआ करता था। असल में किसी छोटे रिजर्वोअर जैसा है। इसकी गहराई 1 मीटर और लंबाई करीब 8 मीटर है। टैंक की तली पर फर्श में प्लास्टर भी था, जिसमें डिजाइंस भी बनी हुई थी। इसके आसपास कई दुकानें भी पाई गई हैं। ये शॉप्स आज के समय के शॉपिंग सेंटर की शॉप्स जैसी ही अरेंज की गई थी। कमाल की बात यह है कि ये शॉप्स 2-स्टोरी पैटर्न में बनी थी, जो उस समय काफी दुर्लभ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स को एरिया में पानी की शॉर्टेज की वजह से 1585 में बंद कर दिया गया था। यानी अगर ये वाटर टैंक था तो भी ये लंबे समय तक काम नहीं आया। नंबर 9, अर्लिएस्ट ह्यूमंस। अभी तक हम सभी यही मानते आए हैं कि ह्यूमन लाइफ की अफ्रीका में ही शुरुआत हुई थी, और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इस थ्योरी के सपोर्ट में कई एविडेंस भी मिले। अप्रैल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को कालाहारी डेजर्ट की वंडरवर्क नाम की गुफाओं में रहने वाले दुनिया के सबसे पहले ह्यूमंस के एविडेंस मिले हैं। इसी समय दुनिया में सबसे पहले आग के प्रयोग के सबूत, और इसके अलावा यहाँ से कुछ टूल्स भी मिले हैं, और एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पुराने टूल्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स का कहना है कि इस केव में करीब 2.5 लाख वर्ष पहले ह्यूमंस रहा करते थे, और इन लोगों ने कुल्हाड़ी और हथियार करीब 1 लाख वर्ष पहले बनाना सीख लिया था। नंबर 8, बेंट स्वॉर्ड्स। यूरोप से मिलने वाली ज्यादातर प्राचीन स्वॉर्ड्स का मुड़ा होना आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर देता था। अप्रैल 2021 में वैज्ञानिकों ने इसकी वजह भी खोज निकाली। असल में जर्मनी में एक प्राचीन हिल फोर्ट की साइट पर आयरन एज होर्ड्स का एक ढेर पाया गया, जिसमें 150 से भी अधिक हथियार थे। इनमें से अधिकतर तलवारें थी और ये सभी मुड़े हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हारने वाली सेना की तलवारें इकट्ठी कर ली जाती थी और इन्हें मोड़ दिया जाता था। ये मुड़ी हुई तलवारें हार या फिर युद्ध के अंत को दर्शाती हैं। हथियारों का ये ढेर 2100 साल पुराना है। हालांकि सभी लोग इस थ्योरी से सहमत नहीं है, क्योंकि मुड़ी हुई तलवारें कुछ सैनिकों की कब्रों से भी पाई गई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड्स को मोड़ना इस बात का संकेत हो कि इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और सैनिकों की मृत्यु के बाद उनकी तलवार को मोड़ दिया जाता हो। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी सच होगी? अपने विचार हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, सीक्रेट स्पेस क्राफ्ट और अ होक्स। हाल ही में YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें गूगल अर्थ पर इजिप्ट के एरिया में जूम करके ये तस्वीर दिखाई गई। इसे नजदीक से देखने पर आपको ये किसी स्पेसशिप के आकार जैसा ही लग रहा होगा। अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि अगर अब आप गूगल अर्थ ऐप खोलकर इजिप्ट के हिस्से पे जूम करेंगे तो आपको ये तस्वीर नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कोई सीक्रेट एक्टिविटी चल रही थी, जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है, और इसीलिए सिक्योरिटी सर्विसेज ने इसे हटा दिया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सिर्फ वहम मान रहे हैं। वहीं कुछ अन्य लोग इसे एलियंस से जोड़कर भी देख रहे हैं। पर असल में आकृति क्या थी, और अगर ये वास्तव में थी तो अचानक गायब कैसे हो गई? आपको क्या लगता है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स से भरे हुए देश इजिप्ट का ये कोई नया रहस्य है या सिर्फ कल्पना? अपने विचार हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, 1800 ईयर ओल्ड अरीना। ग्लैडिएटर्स में जाकर बैटल्स देखना और उन पर गैम्बलिंग करना रोमन काल में काफी आम बात थी, और हम सभी जानते हैं कि कोलिजियम दुनिया का सबसे फेमस कॉम्बैट अरीना है। लेकिन मार्च 2021 में टर्की में मस्चूरा नाम की जगह पर एक ऐसा अरीना खोज निकाला गया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। हालांकि अब ये एरिया पूरी तरह वेजिटेशन से कवर्ड है, लेकिन आसमान से देखने पर आज भी अरीना का आउटलाइन साफ साफ देखा जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अरीना लगभग 1800 साल पुराना है, यानी सेवरियन वंश के समय का। इसमें 20,000 लोगों के बैठने की जगह थी। यहाँ ग्लेडिएटर्स के वेटिंग रूम्स और एंटरटेनमेंट रूम्स भी बनाए गए थे। इस क्षेत्र में ये एकमात्र एम्पीथिएटर था, यानी लोग कई किलोमीटर दूर से यहाँ शोज देखने आते होंगे। नंबर 5, स्पाइडर गॉड। हम सभी जानते हैं कि इतिहास में लोग एनिमल गॉड्स की पूजा किया करते थे, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स से इस तरह के एविडेंसेस मिलना भी बहुत ही आम बात है। लेकिन अब जिस खोज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई कॉमन एनिमल गॉड नहीं है। 2021 की शुरुआत में पेरू में आर्कियोलॉजिस्ट ने 3200 साल पहले बनाए गए म्यूरल्स खोज लिए हैं। ये एक स्पाइडर का चित्र है। इससे भी अजीब बात यह है कि इस स्पाइडर ने एक चाकू पकड़ रखी है। हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद ये म्यूरल्स क्यूपिनस्क लोगों ने बनाए थे, क्योंकि इन लोगों के इस क्षेत्र में रहने का समय म्यूरल की डेट से मेल खाता है। हालांकि हम इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लोग स्पाइडर्स को बारिश और फर्टिलिटी से जोड़कर देखते थे। नंबर 4,
हेलुसिनोजेंस इन एंशियंट टाइम्स। जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में लगभग पूरी दुनिया में हेलुसिनोजेंस बैंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज इसके बहुत शौकीन हुआ करते थे। नेटिव अमेरिकन लोग इस तरह के पौधे खूब उगाते थे। यूरोप में इस तरह के प्लांट्स के अवशेष पाए गए हैं। 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेन के केव में अजीब सी कार्विंग्स खोज निकाली। ये केव पेंटिंग्स 14 से 40 हजार साल पहले बनाई गई थी। इन गुफाओं के रास्ते काफी पतले हैं, तो इनके अधिकतर हिस्सों में अंधेरा है। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी है। अप्रैल 2021 की एक स्टडी में सामने आया कि अंधेरे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्राचीन समय में लोग इन गुफाओं की तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि यहाँ हेल्यूसिनेशन क्रिएट होता था और ये पेंटिंग्स उन्हीं का नतीजा है। नंबर 3, नियांडरथल फुटप्रिंट्स। 2021 की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने सदर्न स्पेन के एक बीच में यूरोप का सबसे पुराना फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट खोज लिया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह फुटप्रिंट किसी नियांडरथल का है। पुरातत्वविदों के माने तो ये फुटप्रिंट इंप्रेशंस लगभग एक साल पुराने हैं। इस साइट पर सैकड़ों फुटप्रिंट्स हैं और ये सभी 36 अलग अलग इंसानों के हैं। एडल्ट्स के प्रिंट्स स्थिर हैं, जबकि बच्चों के पैरों के निशान एराटिक हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे रेत पर भागे और कूदे होंगे। यानी बीच पर इन नियांडरथल किड्स का व्यवहार काफी हद तक आजकल के बच्चों जैसा ही था। नंबर 2, लॉस्ट इजिप्शियन सेटलमेंट। पिछले 200 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के लगभग सभी हिस्सों का एक्सकवेशन कर लिया है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इजिप्ट में सब कुछ खोज लिया गया है, पर ऐसा नहीं है। अप्रैल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जर में एक पूरी की पूरी फिरौनिक सिटी खोज निकाले। ये शहर लगभग 3000 साल पुराना है और रेत के अंदर दफन होने की वजह से बहुत अच्छी तरह संरक्षित थे। यहाँ पर मिट्टी की ईंटों के बने घर हैं, जिन्हें एक कतार में सलीके से बनाया गया था। इस साइट पर कई एंशियंट आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ टूल्स भी मिले हैं। ये शहर किंग एमेनहोटेप 3 के समय बनाया गया था। इसके बारे में कई रूमर्स भी थे। नंबर 1, सेंट बेलिक्स लैब। 2014 में सेंट बेलिक्स लैब नाम का एक आर्टिफैक्ट खोजा गया। हिस्टोरियंस इसे दुनिया का सबसे पुराना 3D मैप मान रहे हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार ये मैप लगभग 4100 साल पुराना है। इस लैब को 1900 में खोजा गया था, लेकिन प्रॉपर लेबलिंग और मैनेजमेंट न हो पाने की वजह से इसे संभाल कर नहीं रखा जा सका। इसके बाद इसे दोबारा 2014 में एक कैसल के सेलर में पाया गया। इस पर बनी कार्विंग्स का डिजाइन काफी हद तक ऑडिट नदी के आसपास के एरिया की टोपोग्राफी से मेल खाती है। पहली बार इसे वहीं खोजा गया था, लेकिन अगर सचमुच में ये एक मैप है तो इसमें एंशियंट जागीर से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं। लेकिन हम आज भी नहीं जानते कि इस क्षेत्र में कौन लोग रहते थे या फिर कौन इसे कंट्रोल करता था। हजारों साल पुराना ये मैप आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। तो ये थी हाल ही में खोजी गई 10 रहस्यमय खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।